ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭੱਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ। ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮਚਾਉਣਗੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਮਸਾਨ। ਜੀ ਹਾਂ, 41 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭੱਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭੱਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭੱਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। सत श्री अकाल दोस्तों, जलंधर की तंग गलियों से टीम इंडिया के टर्बिनेटर का पिछले 25 साल का मेरा सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा है। जब भी मैं इंडिया की जर्सी पहन के मैदान पे उतरा हूँ, उससे बड़ा मोटिवेशन शायद मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं था। लेकिन एक मुकाम आता है जब लाइफ में आपको कुछ कठिन फैसले लेने होते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। मैं पिछले कुछ साल से एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा था और उस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था कि मैं आप सबके साथ उस मोमेंट को कब शेयर करूं। मैं आज क्रिकेट के हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। हालांकि ज़हनी तौर पे मैं रिटायरमेंट पहले ही ले चुका था, लेकिन अनाउंस नहीं कर पाया। वैसे भी पिछले कुछ वक्त से मैं एक्टिव क्रिकेट खेल नहीं रहा था, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर के साथ कमिटमेंट की वजह से मैं चाहता था कि मैं आईपीएल सीज़न में उनके साथ रहूं, पर सीज़न के दौरान ही मैंने रिटायरमेंट का मन बना लिया था। वैसे हर क्रिकेटर की तरह मैं भी इंडिया जर्सी में क्रिकेट को अलविदा कहना चाहता था, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और मंजूर था। मैं जिस टीम के लिए भी खेला हूं, मेरी 100% वहाँ कमिटमेंट रही है कि मेरी टीम जो है वो टॉप पर फिनिश करे, चाहे वो भारतीय टीम हो या पंजाब टीम हो या फिर मुंबई इंडियंस हो, CSK KKR हो या फिर सरे या एसेक्स काउंटी हो। अगर मैं इतना सब कुछ कर पाया ज़िंदगी में तो मेरे गुरुजी संत हरचरण सिंह जी के आशीर्वाद से ही पॉसिबल हो पाया है। मेरी लाइफ को उन्होंने एक दिशा दी है और उनकी हर एक सीख मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती रहेगी। मेरे पिता सरदार सरदेव सिंह प्लाहा और मेरी माँ अवतार कौर प्लाहा ने मेरे सपनों को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष किया है और उनकी मेहनत के सदका भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल पाया। मेरी भगवान से एक विनती है कि अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो यही माँ बाप के बेटे के रूप में मुझे उन्हीं के घर में दोबारा जन्म मिले। मेरी सिस्टर्स जिन्होंने ना जाने कितने पाठ कितने प्रेयर्स किए हैं मेरे लिए, और उनकी प्रेयर्स के सदका मुझे ज़िंदगी की हर खुशी हासिल हुई है। मैं जितना भी इनके लिए कर लूं वो शायद कम होगा। मैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, वो सारे रक्षाबंधन निकल गए, पर अब मैं आप किसी को कंप्लेंट करने का मौका नहीं दूंगा कि मैं रक्षाबंधन पे घर पे क्यों नहीं हूँ। यू आर माई रॉक स्टार्स, माई सिस्टर्स, आई लव यू। मेरी फैमिली के आप पिलर्स हो। मेरी वाइफ गीता, आई जस्ट वॉन्ट टेल यू दैट योर लव कम्प्लीट्स मी। थैंक यू फॉर बींग देयर इन दिस जर्नी। तुमने मेरा बेस्ट और वर्स्ट दोनों देखे हैं। अब मेरे पास बहुत समय है आपके साथ रहने का और अब आपको कंप्लेंट करने का मौका नहीं दूंगा कि आप टाइम नहीं देते। हिनाया हीर एंड जोवन वीर, तुम दोनों मेरी ज़िंदगी हो और जब तुम दोनों बड़े होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता चलेगा कि आपके पापा क्रिकेट में क्या करते थे। मुझे खुशी है कि अब मेरे पास बहुत समय रहेगा आप दोनों के लिए और मैं आप दोनों को बड़े होते हुए देखूंगा और आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूंगा। क्रिकेट कैरियर की बात करूं तो सबसे पहले खुशी मुझे मिली जब मैंने हैट्रिक ली कलकत्ता में और मैं पहला भारतीय गेंदबाज बना जिसने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली हो, और साथ ही साथ उस सीरीज़ में मैंने 3 मैचेस में 32 विकेट लिए और वो अब तक रिकॉर्ड है। इसके बाद 2007 का T20 का वर्ल्ड कप और ऑफकोर्स 2011 का वर्ल्ड कप जीत मेरे लिए सबसे अहम थी और ऐसे यादगार लम्हे शायद मैं ज़िंदगी भर जिसको बुला नहीं पाऊँगा और शायद मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा कि कितनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए वो। इस सफ़र में मुझे कई ऐसे लोगों का साथ मिला जो दुनिया में बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है।
इसमें से कुछ दोस्त बन गए और कुछ परिवार का हिस्सा। अंडर 14 से इंडिया सीनियर्स और फिर आईपीएल में मेरे सभी साथी और विरोधी खिलाड़ियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और साथ ही हर कोच, ग्राउंड्समैन, अंपायर, मीडिया और हर उस शख्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिसने मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, और साथ ही साथ मैं उन सब फैंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की जब मैं भारतीय क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहा था ग्राउंड पे। मैं BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, सेक्रेटरी जय शाह और BCCI के सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की परंपरा को बहुत मजबूत किया है, और साथ ही साथ मेरी स्टेट एसोसिएशन पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, MP पांडा सर, IS बिंद्रा सर, आप हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेंगे। क्रिकेट मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा था, है और रहेगा। मैंने बहुत अरसे तक भारतीय क्रिकेट की सेवा की है और आगे भी कोशिश करूंगा कि वो सेवा बरकरार रहे। मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन आज मैं जो कुछ हूं सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की वजह से हूं। अगर मैं किसी भी किरदार में भारतीय क्रिकेट के किसी भी काम आ सकूं, तो मुझे बेहद खुशी होगी। अब नई चुनौतियों के साथ एक दूसरा चैप्टर मेरी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है। यकीन मानिए, आपका टर्बिनेटर इम्तिहान के लिए तैयार है, बस प्यार बनाए रखना। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।